और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर माध्यमिक कंप्यूटर अनुदेशकों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। अपनी मांगों को लेकर अनुदेशक विधानसभा का घेराव कर रहे थे। लाठीचार्ज में कई अनुदेशक घायल थे, लंबे समय से उनकी मांगे थी और इसको लेकर आज विधानसभा का घेराव बड़ी तादाद में ये अनुदेशक करने पहुंचे, लेकिन पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी, आगे बढ़ने की कोशिश की, रोका और जब ये अनुदेशक नहीं मारे तो जमकर लाठियां भाजी। माध्यमिक कंप्यूटर अनुदेशक जो बड़ी तादाद में विरोध करने पहुंचे थे लखनऊ में, और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब पुलिस इन्हें समझा रही थी, लेकिन ये धरने पर बैठ गए, पुलिस ने हटाने की कोशिश की और इसके बाद जब नहीं हटे तो डंडा उठा लिया और फिर इन अनुदेशकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। माध्यमिक कंप्यूटर अनुदेशकों पर जमकर लाठियां आज पुलिस ने भाजी, कई लोग चोटिल। अमितेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमितेश, ऐसी क्या स्थिति बनी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कितने लोग चोटिल हुए? देखिए, ये माध्यमिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं और ये अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। इस बीच पुलिस से इनकी झड़प हुई और पुलिस ने उस चार कदम विधायक निवास है वहां पर इनको इन तमाम अनुदेशकों को कैद कर लिया। उस दरमियान अनुदेशक और पुलिस में झड़प हुई, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो अनुदेशक है गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद से पुलिस ने जबरन जो लाठियां हैं वो जमकर भाजी है और तमाम जो महिला अनुदेशक है वो भी गंभीर रूप से चोटी हुई है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार अभी भी जो पुलिस और अनुदेशक एक अनुदेशक जो कि बुरी तरीके से घायल अपनी बात कह रहा, लेकिन पुलिस उसे बात भी नहीं करवाना चाहती। और इसलिए देखिए, पहले किस तरीके से लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया अनुदेशकों को, अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए थे, लेकिन पुलिस को मंजूर नहीं था। अमितेश हमारे संवाददाता लगातार बने। अमितेश, हमने देखा कि अनुदेशक धरने पर बैठे थे, वहां कोई ऐसा विरोध भी नहीं दिख रहा था, कोई पुलिस का विरोध भी नहीं कर रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, फिर लाठीचार्ज क्यों? अमितेश से संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की जब बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में अनुदेशक इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने। कई बार वो अपनी बात रख चुके थे, लेकिन इसके बाद थकार कर उन्होंने विधानसभा घेराव करने का फैसला किया। लेकिन इसी के साथ ही जब धरने पर बैठ गए ये अनुदेशक, तो फिर पुलिस वहां पर पहुंची, पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन अनुदेशकों का कहना कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। इसके बाद पुलिस ने डंडा उठा लिया और दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीटा और कई अनुदेशक बुरी तरीके से चोटिल हुए, अस्पताल उन्हें पुलिस ले गई है, लेकिन काफी देर तक ये स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।